गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं घर पर अकेली हूँ क्योंकि मेरे चाचू और चाची दूसरे गांव पर खेती करने गए हैं, क्योंकि हमारे गांव बुद्धा मंदिर में इस बार बारिश कम होने की वजह से यहां पे खेती नहीं हो रहा है, जिसके वजह से यहां के जितने भी गांव के लोग हैं वो बाहर दूसरे अपने रिलेटिव्स के वहाँ पर खेती कर रहे हैं। तो आज घर पर मैं अकेली हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ मिला है, तो उसमें से एक है गाँव के तबेले को साफ करना, और मैंने आज तक कभी भी ये काम नहीं किया हुआ है, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। देखती हूँ अभी ये क्या करना है, मैं कैसे करूँगी। तो ये है हमारा गाँव का तबेला, और अब मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं इसको कैसे साफ़ करूँगी। वैसे मैंने सुना था लोग बोलते हैं कि बहुत स्टिंकी होता है, मैं इसको स्मेल नहीं कर पाऊँगी, वैसे इतना भी बुरा स्मेल नहीं आता यहाँ पे, इसको साफ़ कर सकते हैं। तो मैं इससे ग्लव्स के हेल्प से इसको साफ करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। वैसे ये मैंने अपने स्टडी पर्पज़ के लिए लिया हुआ था, पर अब ये बहुत चीज़ों में काम आ रही है, और मैं सोच भी रही थी कि मैं इससे काउ डंग उठाऊंगी, और आज अल्टीमेटली मुझे चांस मिल भी गया। वैसे मेरे जब चाचू चाची घर पर होते तो वो कभी मुझे काम करने नहीं देते, लेकिन अभी वो खेती के लिए बहुत दूर वाले गांव में गए हैं, तो ये सारा ड्यूटी अब मेरा है। और मैं सच कहूँ इस तबेले में इतना भी बुरा स्मेल नहीं है, इसको मतलब ड्यूरेबल है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं कर सकता है, लेकिन मैं तो इसको बियर कर पा रही हूँ। यहाँ से जो काउ डंग है ये बाद में खेती में डालते हैं, और इसलिए खेती भी पूरा ऑर्गेनिक होता है। यहाँ पे कोई फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालते यहाँ पर। तो जो गांव का राइस होता है, जो पटेटोस वेजिटेबल जो भी है, इतना टेस्टी होता है, जहर का जैसे नहीं होता है। जितना भी डंग था सब मैंने साफ कर दिया है, और जो उस साइड पे मैंने काउ डंग फेंका है वो बाद में बागान में यूज़ करता है उसको। इसके वजह से ही यहाँ पे जो भी खाना है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है, उससे वहाँ से और यहाँ का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है। अब मैंने तबेला साफ कर चुका है, अब मैं बर्तन धोने वाली हूँ, और बर्तन तो मुझे बचपन से ही धोने आते हैं, तो वो मेरे लिए सबसे आसान और इजी काम है जो मुझे आते हैं। अदरवाइज़ मैं सब चीज़ यहाँ पे नया ही सीख रही हूँ। यहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत सभी के घरों पे नल में पानी दिया हुआ है, तो हमारे घर में भी नल में पानी दिया है, पर ये नल में कभी भी पानी नहीं होता है। और यहाँ पे जो बनाने वाले प्लम्बर को भी बहुत बार बुलाते हैं तो वो आते नहीं हैं, तो जिसके वजह से हमें पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पे लोग जो है जैसे लकड़ी जलाते हैं खाना वाना पकाने के लिए, तो जो लकड़ी से जो कोयला निकलता है और उसका जो ऐश होता है, उससे बर्तन में उसमें साबुन डाल के जैसे ऐसे डालते हैं, और इसमें साबुन डाल के इससे बर्तन साफ़ करते हैं। तो इधर में जो काम करने वाला के जो हाथ होता है वो कभी भी सॉफ्ट नहीं होते, अब मेरे भी नहीं होने वाले।
बर्तन धोना भी मेरा ख़त्म। अब मुझे पिक को उसका खाना देना है, तो ये मुझे एक ड्यूटी दिया हुआ है। वैसे मैं पिक से बहुत डरती हूँ, बहुत बड़ा है। और यहाँ पर उसका खाना है, और अब मैं ये खाना लेके जाऊंगी उसे देने। ओ माय गॉड, ये तो बहुत भारी है। यहाँ पर है पिक, ये बहुत ही बड़ा। ओ मम्मी, पिग का खाना दे के ख़त्म। अब छोटा वाला पिग है जिसका नाम पफिन है, अब उसको खाना देना है। ये इस छोटा वाला पिग को हम पफिन को इस तरह से खाना देते हैं। इसमें राइस है और थोड़ा सा इसमें नमक डालते हैं। ये है स्टोर रूम, यहाँ पर खाना होता है। यहाँ पे डर लगता है। इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे। अब मैं किचन इसको थोड़ा लिपाई करूँगी। ये थोड़ा मिट्टी अभी पानी के साथ मिक्सअप होने तक मैं इसको झाड़ू लगाकर कोयला सब अंदर डालूँगी। मैं जितना भी फटा है उसको ऐसे करके मिट्टी से इसको गड्ढा को भर देना है। मेरा लिपाई ख़त्म हो चुका है। अब ये जो फ्लोर है मैं इसको साफ़ करूँगी। मेरा बुक्स भी इधर ही है, मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं पोछा लगाऊँगी। मैं अपना सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ और अब 10 बज चुके हैं। ऑलरेडी मैं लेट हो रही हूँ। अब मुझे फील्ड के लिए जंगल जाना है अपना काम के लिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं जा रही हूँ मेरा प्रैक्टिकल वर्क के लिए। थैंक यू, बाय बाय।